असल नाजरीन मैं हूँ नायला भट्टी और आप देख रहे हैं सेवन पॉइंट नेटवर्क सबसे पहले अहम खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा सीत मुख्तार शाह की रिपोर्ट के मुताबिक आजाद उम्मीदवार के हिमायतियों की जानब से पुलिस पर पथराव के दौरान डी पी ओ डेरा गजी ख़ान अहमद महीद्दीन साहब को पत्थर लग गए थे जो कि हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट के बाद अलहमदल ठीक हो गए हैं इनका कहना है कि सोशल मीडिया पर गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं अवाम का कहना है कि पाकिस्तानी कौम हमेशा इस मर्द आहन को याद रखेगी और इज्जत देगी इलाके की आवाम का मज़द कहना है कि डी पी ओ अहमद महुलद्दीन साहब हम सब का हिरो है गरीबों का हमदर्द है कभी इसको नहीं भूलना बसमिल्हानरिम मेरा नाम अहमद मोहुअन है और मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा गाज़ी खान हूँ आज इस वीडियो पैगाम का मकसद उन तमाम झूठी और बेबुनियाद खबरों और प्रोपेगेंडा की तरदीद करना है जो कि मेरे नाम से आ, कल से सोशल मीडिया पर मनसूब की जा रही हैं कल जनरल इलेक्शन दो के सिलसिले में इस एलेक्शन में हिस्सा लेने वाले एक आज़ाद उम्मीदवार के हामियों ने दुरान एहतजाज पंजाब पुलिस डेरा गाजी खान पुलिस पर पथराव किया जिससे हमारे चंद जवान जख्मी भी हुए और उसी पथराव के दौरान एक से दो पत्थर आ, मुझे भी आके लगे जिसके बाद आ, मैं थोड़ा मामूली ज़ख्मी हुआ और फर्स्ट एड के लिए अस्पताल गया और 10 से 15 मिनट में आ, मैं अस्पताल से आ, जो है वो आ, वापस आ गया कुछ लोग इस वाक़े को गलत रंग देकर सोशल मीडिया पर मुख्तलि अफवाहें फैला रहे हैं जिसका हकीकत से बिल्कुल कोई तल्लु नहीं है यहाँ मैं ये बात भी बहुत ज़रूरी समझता हूँ बताना कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ पाकिस्तान आर्मी का पाकिस्तान रेंजर्स का जिन्होंने इतने मुश्किल हालात में जनरल इलेक्शंस में डिस्ट्रिक्ट पुलिस डीजी खान के साथ भरपूर तावन किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस इलेक्शन को फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की और हमारा ये पूरा इवेंट बहुत ही पुरान तरीके से मुकम्मल हुआ हमारे तमाम रियासी इदारे और पंजाब पुलिस और तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कौमी मुफाद में के में एक पेज पर हैं और इन शाह इस किस्म के किसी भी मनफी प्रोपेगेंडे को कामयाब नहीं होने देंगे पंजाब पुलिस जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद पाकिस्तान रेंजर्स जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद अल्लाह हम सब का हामीना हो थैंक यू मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहेंट नेटवर्क